नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम आपको पुण्यदायिनी महानदी नर्मदा जी के बारे में बताएंगे कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका मृत्युलोक यानी इस धरती पर अवतरण कैसे हुआ। माँ नर्मदा की उत्पत्ति कैसे हुई ये विस्तार पूर्वक बताने से पहले हम आपको माँ नर्मदा नदी की कुछ खास विशेषताएं बताएंगे और नर्मदा नदी की परिक्रमा के महत्व के बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। नर्मदा जी वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान स्वरूप हैं। गंगा जी ज्ञान की, यमुना जी भक्ति की, ब्रह्मपुत्र तेज की, गोदावरी ऐश्वर्य की, कृष्णा कामना की और सरस्वती जी विवेक के प्रतिष्ठान के लिए संसार में आई हैं। सारा संसार इनकी निर्मलता और ओजस्विता और मांगलिक भाव के कारण आदर करता है और श्रद्धा से पूजन करता है। नर्मदा जी की परिक्रमा का पुराणों में विशेष महत्व है। इनकी परिक्रमा से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी विधि विधान से परिक्रमा की जाती है। नर्मदा जी की परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह और 13 दिनों में पूर्ण होती है। अनेक देवगण भी सूक्ष्म रूप से उनकी परिक्रमा और ध्यान करते हैं। ऐसे ही एक मान्यता है कि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अभी भी माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं। इन्हीं नर्मदा के किनारे न जाने कितने दिव्य तीर्थ, ज्योतिर्लिंग, उपलिंग आदि स्थापित हैं। माँ नर्मदा की परिक्रमा अमरकंठक या ओंकारेश्वर से प्रारंभ करके नदी के किनारे किनारे चलते हुए दोनों तटों की पूरी यात्रा के बाद वहीं पर पूरी होती है जहां से प्रारंभ हुई है, यानी कि ये परिक्रमा अमरकंटक में आकर ही पूरी होती है। परिक्रमावासी लगभग 1312 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। स्कंद पुराण के रेवा खंड में ऋषि मार्कंडेय जी ने लिखा है कि नर्मदा के तट पर भगवान नारायण के सभी अवतारों ने आकर माँ की स्तुति की। पुराणों में ऐसा वर्णित है कि संसार में एकमात्र माँ नर्मदा नदी ही ऐसी हैं जिनकी परिक्रमा सिद्ध, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, मानव आदि करते हैं। माँ नर्मदा की महिमा का बखान शब्दों में नहीं किया जा सकता। पंडितों का कहना है कि देव सरिता माँ नर्मदा अक्षय पुण्य देने वाली हैं। श्रद्धा शक्ति और सच्चे मन से माँ नर्मदा का पूजन अर्थात परिक्रमा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो फल सभी नदियों में स्नान करके प्राप्त होता है वही फल माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से मिलता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने नर्मदा अष्टक में माता को सर्वतीर्थ नायकम से संबोधित किया है। नर्मदा तट पर ही भगवान धन्वंतरी की समस्त औषधियाँ प्राप्त होती हैं। नर्मदा तट पर ही त्रेता युग में भगवान श्री राम द्वारा प्रथम बार कुंभेश्वर तीर्थ की स्थापना हुई थी, जिसमें सृष्टि के समस्त तीर्थों का जल ऋषि मुनियों द्वारा कुंभों घटों में लाया गया था। नर्मदा के त्रिपुरी तीर्थ देश का केंद्र बिंदु भी था। नर्मदा तट पर दाह संस्कार के बाद गंगा तट पर इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि नर्मदा जी से मिलने माँ गंगा स्वयं आती हैं। नर्मदा में वर्ष में एक बार गंगा आदि समस्त नदियाँ स्वयं ही नर्मदा जी से मिलने आती हैं। नर्मदा में समस्त तीर्थ वर्ष में एक बार माँ नर्मदा के दर्शनार्थ स्वयं आते हैं। नर्मदा के किनारे तटों पर वे समस्त तीर्थ अदृश्य रूप में स्थापित हैं जिनका वर्णन कई पुराण, धर्मशास्त्र या कथाओं में आया है। नर्मदा में ही श्राद्ध की उत्पत्ति एवं पितरों द्वारा ब्रह्मांड का प्रथम श्राद्ध हुआ था, अतः नर्मदा जी श्राद्ध जननी हैं। नर्मदा पुराण के अनुसार नर्मदा ही
एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सदा हास्य मुद्रा में रहती हैं। नर्मदा तट पर ही सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मांड के समस्त देव, ऋषि, मुनि, मानव भले ही उनकी तपस्या का क्षेत्र कहीं भी रहा हो, सिद्धि प्राप्त करने के लिए नर्मदा तट पर अवश्य आते हैं। नर्मदा तट पर सिद्धि पाकर ही वे विश्व प्रसिद्ध हुए हैं। नर्मदा से प्राप्त शिवलिंग ही देश के समस्त शिव मंदिरों में स्थापित हैं, क्योंकि शिवलिंग केवल नर्मदा में ही प्राप्त होते हैं, अन्यत्र नहीं। नर्मदा में ही बाणलिंग शिव एवं नर्मदेश्वर प्राप्त होते हैं। नर्मदा के किनारे ही नागमणि वाले मणि नागेश्वर सर्प रहते हैं। नर्मदा का हर कंकड़ शंकर होता है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं ही प्रतिष्ठित रहते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि माँ नर्मदा ने कई हजार सालों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद नर्मदा जी ने उनसे कई वरदान प्राप्त किए। इसमें प्रलय में भी अविनाशी होने, विश्व में एकमात्र पापनाशिनी और नर्मदा में पाए जाने वाले पाषाणों के शिवलिंग होने का वरदान पाया। यही वजह है कि नर्मदा में पाए जाने वाले शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही पूजा जाता है। इसके अलावा नर्मदा ने अपने तट पर भोले पार्वती के साथ ही सभी देवताओं के वास करने का भी वरदान प्राप्त किया था। आइए अब हम जानते हैं कि माँ नर्मदा की उत्पत्ति कैसे हुई। पूर्व काल में एक समय भगवान शिव मेकल पर्वत पर घोर तपस्या में लीन थे। लगातार 10,000 वर्षों से अधिक वर्षों तक महादेव उस स्थान में तपस्या में लीन थे। अतः उनके तप की ऊर्जा के फलस्वरूप उनके शरीर से पसीना आने लगा और पसीने के 17 बूंद उनके त्रिशूल को छूते हुए मेकल पर्वत पे आ गिरे, जिससे एक बहुत ही दिव्य कन्या प्रकट हुई। वो कन्या श्याम वर्ण, बहुत ही दैवीप्यमान और कांतिवान तथा सौंदर्यवान थी और वे दिव्य आभूषणों से सुशोभित थीं। शिवजी के पसीने से उत्पन्न होने के कारण उन्हें शिवजी की पुत्री कहा गया। क्योंकि वह मेकल पर्वत पर अवतरित हुई, उनको मेकल पर्वत की पुत्री भी कहा जाता है। ये दिव्य कन्या का नाम महादेव जी ने नर्मदा दिया, अतः ये नर्मदा नाम से प्रसिद्ध हुई। माँ नर्मदा की बाल लीलाओं को देखकर माँ पार्वती और शिवजी बहुत हर्षित हुए और इसलिए उन्होंने उन्हें नाम दिया नर्मदा। नर्मदा नाम दो शब्दों को जोड़कर बना है, नर्म और दा। नर्म का अर्थ होता है सुख और दा का अर्थ होता है देने वाली, अर्थात सुख देने वाली, जिससे उनका नाम पड़ा नर्मदा। तो ये अभी हमने आपको बताया कि माँ नर्मदा की उत्पत्ति कैसे हुई। मेखला पर्वत को वर्तमान में अमरकंटक पर्वत के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से 1,065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ बहती हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है, एक समय महातेजस्वी मार्कंडे मुनि तीर्थ यात्रा का फल पाकर नर्मदा के तट पर बैठे हुए थे। वहीं उनका दर्शन करने के लिए बहुत से ऋषि महर्षि आए, जैसे कि पुलस्त्य ऋषि, वशिष्ठ जी, पुलह, क्रतु, भृगु, विश्वामित्र जैसे बहुत महान ऋषि। अतः सप्त ऋषि सभी वहां पे उनके दर्शन के लिए उपस्थित हुए। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल पाकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वेदवेत्ता एवं ज्ञानी ब्राह्मणों तथा अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ नर्मदा तट पर मार्कंडे मुनि के आश्रम पर आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए। राजा को बैठा देख महामुनि मार्कंडे बोले, नृपश्रेष्ठ, भाइयों और ब्राह्मणों के साथ
कुशल से तो हो ना। युधिष्ठिर जी ने हंसकर कहा, मुने आज आपके चरणारविंदों का दर्शन पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। युधिष्ठिर जी मार्कंडेय जी से बोले, महामुने तीनों लोकों में प्रभावित होने वाले गंगा यमुना और सरस्वती अर्थात बड़े बड़े तीर्थ जैसे के गंगा द्वार हिमालय कुब्जार ब्रह्मयोनि उग्र तीर्थ कनखर केदार कुरुक्षेत्र पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस प्रयोजन से केवल महानदी नर्मदा का ही सेवन करते हैं, इस बात को हम सब लोग सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें इसका रहस्य बताइए। मार्कंडेय जी बोले, राजन पूर्व काल की बात है, चंद्रवंश में पुरुरवा नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। वे स्वर्गलोक का शासन करने वाले इंद्र की भांति समूची पृथ्वी का पालन करते थे। एक समय राजसभा में उन नृपश्रेष्ठ ने बड़े बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा, पाप मोहित मनुष्य किस उपाय से यज्ञ आदि कर्मों के बिना ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं और हो सकते हैं, ये बताइए। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज नर्मदा नदी संपूर्ण लोकों में पवित्र करने वाली हैं, वे संपूर्ण विश्व का पाप हरण करने में समर्थ हैं, उन्हें स्वर्गलोक से आप इस पृथ्वी पर उतारें। अपने मन को वश में रखने वाले उन ब्राह्मणों का ये वचन सुनकर राजा पुरुरवा ने कंदमूल फल शाक और जल का आहार करके निर्मल मन से महादेव जी की आराधना की। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार वस्तु प्रदान करूंगा। पुरुरवा बोले, महादेव आप समस्त लोगों के हित के लिए नर्मदा नदी को पृथ्वी पर उतारिए। आज लाख योजन का विशाल जम्बूद्वीप निराधार हो रहा है, न देवता तृप्त होते हैं न पितर और न मनुष्य को ही तृप्ति हो रही है। महादेव जी ने कहा, राजन तुम तो अयाच्य वस्तु की याचना करते हो अर्थात जिसकी याचना नहीं की जा सकती, ऐसा वर तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नर्मदा को छोड़कर दूसरा कोई भी वर मांगो मैं दूंगा। पुरुरवा जी बोले, महादेव मैं प्राण जाने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। राजा का यह निश्चय जानकर तथा उग्र तपस्या द्वारा उनके किए हुए साधन को देखकर महादेव जी ने नर्मदा जी को आज्ञा दी। उन्होंने कहा, सुरेश्वरी तुम पृथ्वी पर उतरो और पुरुरवा जी की तपस्या के फल से मृत्युलोक के हित का साधन करो। नर्मदा जी ने कहा, महेश्वर मैं बिना किसी आधार के स्वर्गलोक से पृथ्वी पर कैसे जाऊंगी। नर्मदा की ये बात सुनकर देवाधिदेव महादेव जी ने 8 पर्वतों को बुलाया और उन सबसे पूछा, तुम में से नर्मदा नदी को धारण करने में कौन समर्थ है। तब विंध्यगिरि ने कहा, सुरेश्वर आपके प्रसाद से मेरा पुत्र नर्मदा जी को धारण करने में समर्थ है, उसका नाम प्रयक है। महादेव जी की आज्ञा मिलने पर प्रयक ने कहा, महेश्वर आपके प्रसाद से मैं नर्मदा नदी को धारण करूंगा। तभी नर्मदा देवी प्रयक गिरी के शिखर पर स्थित होकर उतरी। उनकी जलराशि के वेग पूर्वक भ्रमण से पर्वत वन और काननों सहित समस्त पृथ्वी जल से अप्लावित हो उठी। संपूर्ण जगत अकाल में ही प्रलय काल से ग्रसित हो गया। तब संपूर्ण देवताओं ने मेकल कन्या नर्मदा जी की स्तुति की और कहा, कल्याणी तुम मर्यादा धारण करो, किसी नियत सीमा में स्थित रहो और इस प्रकार विश्व के लिए हितकारिणी बनो। देवताओं के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महादेव जी की आज्ञा से नर्मदा देवी ने पुनः अपने रूप को संकुचित कर लिया। अब वे संवृत रूप से बहने लगी। उस समय नर्मदा जी ने पुरुरवा से कहा, वत्स तुम अपने हाथ से मेरे जल का स्पर्श करो। उनकी आज्ञा पाकर पुरुरवा ने उनके जल का स्पर्श किया एवं आचमन करके पितरों का तिल और नर्मदा जल से तर्पण किया।
उस जल से तर्पण करने पर राजा के समस्त पितर उस परम पद को प्राप्त हो गए जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। समस्त चराचर जगत सब ओर से पवित्र हो गया। वे देश, पर्वत, ग्राम और आश्रम भी पवित्र हैं जहाँ माँ नर्मदा जी विद्यमान हैं। सरस्वती का जल 3 दिन में पवित्र करता है। यमुना का जल 7 दिन में पावन बनाता है। गंगा जल स्नान करने पर तत्काल पवित्र करता है, परंतु नर्मदा नदी दर्शन मात्र से ही मनुष्य को पवित्र कर देती हैं। नर्मदा के संगम में जहाँ कहीं भी स्नान, दान, जप, होम, वेद पाठ, पितृ पूजन, देव आराधन, संन्यास और देह त्याग आदि जो कुछ भी किया जाता है, उसके फल का अंत नहीं है। ऋषि मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर को बताया कि मनुष्य नर्मदा में जहाँ जहाँ स्नान करता है, वहीं वहीं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर नर्मदा का कीर्तन करता है, उसका 7 जन्मों का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है, तथा जहाँ संगम और बाणलिंग से युक्त नर्मदा नदी स्थित हैं, वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अंत में शिव धाम को जाता है। युधिष्ठिर जी ने ऋषि मार्कंडेय जी से पूछा, भगवान, राजा पुरुरवा से पहले महाराज हिरण्यतेजा ने नर्मदा देवी को किस प्रकार इस पृथ्वी पर उतारा था, ये बताने की कृपा करें। मार्कंडेय जी बोले, राजन, चंद्रवंश में हिरण्यतेजा नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए, जो समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा प्रजापति के समान थे। वे पर्वत, वन और काननों सहित समूची पृथ्वी का एक छत्र शासन करते थे। उनकी राजधानी चंद्रपुरी थी, जो इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। एक समय अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगने पर इस जम्बूद्वीप में बावली, कुआं और सरोवर होने पर भी कोई नदी नहीं उपलब्ध हो सकी, जहां देवताओं और पितरों का विशेष सत्कार हो सके। उस समय तक जम्बूद्वीप में कोई नदी नहीं थी। राजा ने लाखों गौएं, स्वर्ण, मणि, रत्न, घोड़े, खजाने, अगणित मत वाले हाथी ब्राह्मणों को दान में दिए और हवन से पितरों को भी तृप्त किया। उस समय उन्होंने देखा पितरों को जलपान का बड़ा कष्ट है। वे पितरों से बोले, आप लोग कौन हैं और किस कर्म से पवित्र हो सकते हैं? पितर बोले, महाभाग, ये द्वीप नदियों से रहित होने के कारण यहाँ का सब धर्म कर्म नष्ट हो चुका है। नदी के अभाव में न तो देवता तृप्त होते हैं न पितर। यदि इस द्वीप में नर्मदा उतर आवे तो हम सब लोग को मुक्ति मिल जाएगी। महाराज, ये यथार्थ बात हमने आपसे बता दी, अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करें। पितरों की ये बात सुनकर राजा हिरण्यतेजा ने कठोर तप किया और कठोर तप करके उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया। राजा महातेजा द्वारा पूजा एवं स्तुति से प्रसन्न होकर जगदीश्वर महादेव ने कहा, महाभाग, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा ने कहा, देवेश्वर, 7 कल्पों तक प्रभावित होने वाली नर्मदा देवी को आप मृत्यु लोक में उतारें। पितर घोर नरक में डूब रहे हैं, उनका उद्धार हो और वे तृप्त होकर मुक्ति एवं परम गति को प्राप्त हो, इसके लिए नर्मदा देवी का अवतरण आवश्यक है। महादेव बोले, ये असंभव है, आपको एक दूसरा वर मांगिए। तब महाभाग राजा हिरण्यतेजा ने कहा, प्रभो, आपके प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। मैं तो सहस्त्रों जन्म धारण करने पर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। राजा का ये निश्चय जानकर भगवान शंकर ने लोकपावनी नर्मदा देवी का आवाहन किया। वे मगर के आसन पर आरूढ़ हो दिव्य रूप से आकर शिवजी के सामने खड़ी हो गई और उमा महेश्वर दोनों के चरणों का स्पर्श करके नतमस्तक हो बोली, देवेश, किस लिए मेरा स्मरण किया गया? महादेव जी ने कहा, नर्मदे, राजा हिरण्यतेजा ने
अपने राज्य छोड़कर यहाँ 14,000 दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की है, अतः आप इनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर उतरिए, शीघ्र ही जाइए और नरक में पड़े हुए सब पितरों का उद्धार करिए। महादेवी नर्मदा बोली, देव मैं बिना किसी आधार के जम्बूद्वीप में कैसे जाऊंगी? ये सुनकर महादेव जी ने पर्वतों से कहा, तुम सब लोग क्षण भर स्थिर हो जाओ, जिससे सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा पृथ्वी पर जाएं। तब पर्वतों ने कहा, देव हम नर्मदा देवी को धारण करने में असमर्थ हैं। उस समय उद्याचल ने खड़े होकर कहा, महादेव जी की कृपा से मैं नर्मदा को धारण करने में समर्थ हूँ। तभी उद्याचल की चोटी पर चरण देकर नर्मदा देवी आकाश से पृथ्वी पर आई और वायु के समान वेग से पश्चिम दिशा को बह चली। उस समय तीनों लोकों में बड़ा हाहाकार मचा। नर्मदा के जल का वो भयंकर कलकल नाद सुनकर पाताल लोक से एक तेजोमय प्रज्वलित लिंग प्रकट हुआ और हुंकार पूर्वक बोला, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाली नर्मदे मर्यादा धारण करो। तुम्हें धारण करने के लिए महादेव जी ने 3 पर्वतों की सृष्टि की है, मेरु, हिमवान और कैलाश तथा चौथा पर्वत श्रेष्ठ विंध्य भी तुम्हें धारण करने में समर्थ है। ये नर्मदा का पहला अवतरण आदि कल्प के सतयुग में हुआ था। दूसरा अवतार दक्ष सावर्णी मनवंतर में हुआ और तीसरा अवतार राजा पुरुरवा के द्वारा वैष्णव मनवंतर में संपन्न हुआ है। मार्कंडे जी ने युधिष्ठिर जी को कहा, राजन ये प्राचीन वृतांत जैसा मैंने अपनी आंखों से देखा है वैसा ही बतलाया है। नर्मदा में स्नान करने वाले, गोता लगाने, उसका जल पीने तथा स्मरण और कीर्तन करने से अनेक जन्मों का घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। ये सभी बातें मार्कंडेय ऋषि ने अपने मुख से कही हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन माँ नर्मदा का महात्म्य आप लोगों को बताने के लिए एक बहुत अच्छी कहानी है, जिससे पता चलता है कि माँ नर्मदा ने काल संज्ञक स्वयंभू मनवंतर में ही ये बता दिया था कि स्वर्ग में प्रभावित होने वाली गंगा जी सहित सारी पवित्र नदियाँ पृथ्वी लोक में प्रभावित होंगी। जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था, वो काल संज्ञक स्वयंभू मनवंतर होने पर अयोध्यापुरी में महायशस्वी मनु नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु जी की आराधना करके अयोध्यापुरी प्राप्त की थी, जैसे कुबेर की अलकापुरी विख्यात है तथा जिस प्रकार इंद्र की अमरावती पुरी बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वैसे ही शोभा संपन्न थी। वशिष्ठ जी ने राजा को बताया कि एकमात्र नर्मदा देवी ही ऐसी हैं जिनके दर्शन मात्र से पापों से मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को छोड़कर दूसरा कोई एकमुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्यों का वर्णन नहीं कर सकता। नर्मदा तट पर किए हुए तप, दान और सत्कर्मों के पुण्य की कोई भी गणना नहीं कर सकता। जम्बूद्वीप में जो जो तीर्थ हैं और समुद्र हैं, उनमें से कोई भी नर्मदा नदी की समता नहीं कर सकता। राजा मनु के आग्रह करने पर ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें माँ नर्मदा का महात्म्य बताया। उन्होंने बताया कि नर्मदा के तट पर त्रिपुरी नामक से विख्यात एक तीर्थ है। वहाँ जिन लोगों ने यज्ञ, दान, होम आदि सत्कर्म किए हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं का स्वरूप है, उसी प्रकार ये त्रिपुरी तीर्थ भी है। वहाँ राजा ने परम उत्तम अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया। ब्रह्मा, विष्णु और शिव राजा को वरदान देकर अपने अपने लोक में गए। इस तीर्थ में किया हुआ तप और दान सब कुछ अक्षय होता है। इस प्रकार महातेजस्वी महाराज मनु का यज्ञ जब पूरा हो गया, तब उन्होंने
हाथ जोड़कर नर्मदा जी से कहा, देवी केवल सहस्त्रों चंद्रायण और सैकड़ों सोमयाग का जो फल है वो आपके जल का पान करने मात्र से होने वाले पुण्य की समता नहीं कर सकता। आपने संपूर्ण जगत को तथा समस्त चराचर जीवों को व्याप्त कर रखा है। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार आपका जल स्नान पान स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों की पाप राशि को भस्म कर देता है। राजा मनु की स्तुति से प्रसन्न होकर मां नर्मदा जी ने कहा, महाभाग मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई मनवांछित वर मांगो। तब महादेवी नर्मदा को नमस्कार करके राजा ने कहा, देवी आप संपूर्ण जगत को पवित्र करिए और अयोध्या प्रदेश में अनेक नदियाँ प्रकट हो जाएं, देवलोक में गंगा आदि अनेकों सरिताएं बहती हैं, ऐसा सुना जाता है, वे सब इस भूलोक में जिस प्रकार उतर आवें वैसा उपाय करिए। माँ नर्मदा बोली, राजन त्रेता के प्रथम भाग में तुम्हारे कुल में भगीरथ नाम से विख्यात एक राजा होंगे, वे इस लोक में गंगा जी को लाएंगे। त्रेता के द्वितीय भाग में इस भारतवर्ष के भीतर कालिंदी सरस्वती सरयू तथा महाभागा गंडकी आदि नदियां भी प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न भगीरथ के ही नाम पर सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी भगीरथी कहलाएंगी। भागीरथी के ही समान उनका दूसरा नाम जाह्नवी भी होगा। सभी नदियां कन्याद्वीप में प्रसिद्धि को प्राप्त होंगी, ऐसा आशीर्वाद मां नर्मदा ने दिया। मां नर्मदा पश्चिम की ओर क्यों बहती हैं और वे कुमारी नदी क्यों हैं, इस बात को लेकर सोनभद्र और जुहिला की एक कहानी प्रचलित हुई है जिसे सोशल मीडिया में भी बताया जाता रहा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैंने बहुत अध्ययन के बाद बनाया है और स्कंद पुराण का रेवा खंड तो मां नर्मदा को ही समर्पित है, जिसमें इस कहानी का कोई उल्लेख नहीं है और ना ही मैंने किसी धार्मिक पुराण में सोनभद्र और जुहिला की ये कहानी पढ़ी है, उसका कोई आधार रेवाखंड में नहीं है। मैंने आपको जो बताया मां नर्मदा नदी के बारे में वो सबका उल्लेख पुराणों में पूर्णता मिलता है। अतः मां नर्मदा को लेकर सोनभद्र और जुहिला की जो कहानी प्रचलित हुई है वो एक दंत कथा है और उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, मोक्षदायिनी मां नर्मदा जो अपने कंचन जल से कंकर को शंकर बनाती हैं, जो ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी लोगों को तारती हैं, लेकिन पुण्य सलीला के उद्गम से लेकर समुद्र तक घाटों पर बढ़ता प्रदूषण चिंताजनक है। घाट किनारे होने वाले आयोजन घाटों पर कचरा का अंबार लगा रहे हैं। हाथों में नारियल फूलमाला और भोग लेकर पहुंचने वाले भक्तों को ये देखना होगा कि वो वहाँ क्या लेकर आए थे और क्या छोड़कर जा रहे हैं। घाटों तक पहुंचने वाले नालों की बढ़ती धार प्रशासन की नाकामी को स्पष्ट दिखा रही हैं। मां नर्मदा के प्रति सच्ची भक्ति तभी होगी जब हम ये संकल्प लें कि न प्रदूषण करेंगे और न किसी को प्रदूषण करने देंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। अगर आपको इस वीडियो से नई जानकारियाँ मिली हो तो प्रोत्साहन के रूप में इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।